संबल योजना के 1.5 लाख सरपंच पुत्र ने डकारे, कलेक्टर संजय कुमार ने उगलवाए। खबर शिवपुर से है, जहां पत्नी की मृत्यु पर संबल योजना के तहत आदिवासी हितग्राही को मिली 2 लाख रुपए की राशि में से नया गांव ढोंडपुर पंचायत के सरपंच पुत्र योगेंद्र उर्फ भोला जाट ने 1,50,000 रुपए अपने खास पास रखकर हितग्राही को मात्र 50,000 रुपए दिए। इस मामले में लड्डूराम आदिवासी ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायती आवेदन कलेक्टर को सौंपा, जिस संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने सरपंच पुत्र को अपने कार्यालय बुलाकर हितग्राही लड्डूलाल आदिवासी को 1.5 लाख रुपए वापस दिलाए और अपने कर्मचारी को बैंक भेजकर हितग्राही के खाते में पैसे जमा करवाए। इसके साथ ही सरपंच पुत्र को आगे ऐसा नहीं करने की सख्तिदायत दी। सख्त कार्यवाही से जिले भर में पहचान बनाने वाले कलेक्टर संजय कुमार ने जनसुनवाई के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अजय को बुलाया? नहीं नहीं, वो सर घर पे रखे ना, तो आईसीआईसीआई बैंक से निकाला सर, कोटा से लाए थे ना, कोटा से कहीं से भी लाए, आईसीआईसीआई बैंक में तेरा खाता है? नहीं नहीं, कोटा से लाए थे सर, दान बेचने गए थे ना। अरे तो ये पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकला है सर? आर्चा देते ना वहाँ पे, तो जिस आर्थ पे कौन दान देते हैं वो देते हैं हम पेमेंट। उसने दिया था? हाँ। किसने, किस आड़त में दिया? मोरपा वाले ने। है मोरपा वाले ने? मोरपा वाले ने दिया है। हाँ। ये तुमने धान का बेचा, उसका दिखाना तुमको? कट से है ना सर, अभी बाढ़ सा वो भी, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया तेरे को, ये भी देखना पड़ेगा भाई। ये इसकी क्या नाम तुम्हारा? लड्डूलाल। लड्डूलाल की पत्नी की डेथ हुई थी, वो संबल योजना से शासन ने 2 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। उस 2 लाख रुपए में ये सरपंच, ग्राम पंचायत नया गांव के सुपुत्र है ये, और इसने इस गरीब के साथ जा करके बैंक से पैसा निकलवाया और उसमें 1.5 लाख रुपए खुद रख लिया और 50,000 रुपये, और फिर बाद में इसने कल यहाँ पे शिकायत किया, तो फिर मैंने उसको बुलाया है, तो अब ये 1.5 लाख रुपए उसको इसको वापस कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बोला नाम सर योगेंद्र। बोला राम योगेंद्र, योगेंद्र उर्फ बोला, उर्फ बोला। और नया गांव सरपंच भी सुपुत्र सर। सरपंच का नाम क्या है? दुआरी का भाई। तुमने कैसे ले लिया पैसा? ये सर साथ में आया था मेरे, साथ में तो लग रहा था, तेरे को जाने की जरूरत ही नहीं थी, पैसा उसके तो, तुम कौन होता है भाई? गलती हो गई ना, मैंने तो एक उसके में आके गरीब आदमी। तू तो गरीब और बड़ा भाई, तू तो लग रहा है कि तू जो है वो कोई वो कर रहा था, तुम समाज कल्याण कर रहा था, 1.5 लाख रुपए रख लिया, 50,000 रुपए दिया और कह रहा है कि गरीब आदमी समाज की मदद करने गया था। कल ही इसने जन सुनवाई में शिकायत में आवेदन दिया, उसके बाद पता चलने पर ये पैसे वापसी की कार्रवाई कर रहे।